हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज मनीष। मैं बात करने वाला हूँ रांची झारखंड प्रथम सावधिक परीक्षा 2021-22 मॉडल प्रश्न पत्र सेट नंबर 1 कक्षा 12वीं विषय इतिहास का सॉल्यूशन इस वीडियो में बताने वाला हूँ। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। इस वीडियो का PDF टेलीग्राम पर मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन पर दिया गया, जहाँ से टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर इस PDF को डाउनलोड करें। निम्न बहुविकल्पी प्रश्नों में सही विकल्प का चयन करें। प्रश्न क्रमांक 1, मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? रखालदास बनर्जी, दयाराम साहनी, आर आर बिष्ट, एम आर राव। तो इसका उत्तर है दयाराम साहनी। डाक यार्ड यानी कि गोदीवाड़ा का अवशेष किस नगर से प्राप्त हुआ? मोहनजोदड़ो से, हड़प्पा से, लोथल से, राखीगढ़ी से। तो इसका उत्तर है लोथल से। मौर्य वंश के अंतिम शासक कौन थे? बृहदर्थ। अर्थशास्त्र के रचयिता कौन थे? मेगास्थनीज, कौटिल्य, विशाखदत्त, हेमचंद्र। तो अर्थशास्त्र के रचयिता कौटिल्य थे। मृतकों का टीला किसे कहा गया है? मोहनजोदड़ो को। हड़प्पा नगर की खोज किस वर्ष में हुई? 1921, 1922, 1923, 1925। तो हड़प्पा नगर की खोज 1921 में हुई थी। सिंधु घाटी सभ्यता में नृत्य करते हुए लकड़ी की मूर्ति किस स्थान से प्राप्त हुई है? कालीबंगा, रोपड़, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो। तो इसका उत्तर है मोहनजोदड़ो। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? चंद्रगुप्त मौर्य ने। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का क्या नाम था? पर्ण। याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मुद्रा राक्षस लेखक निम्न में से कौन सा है? भास, कालिदास, अश्वघोष, विशाखदत्त। तो इसका उत्तर है मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? विशाखदत्त। निम्नांकित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है? अजात शत्रु। ऑप्शन में और क्या थे? बिंदुसार, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य। तो इसका उत्तर है आपका अजात शत्रु। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेक्यूकस को कब पराजित किया? 305 BC में। अमरावती का स्तूप किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु, केरल, इनमें से कोई नहीं, आंध्र प्रदेश। तो इसका उत्तर है अमरावती का जो स्तूप है वो आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं निम्नलिखित में से किस में संकलित है? जातक कथा। भोपाल की किस बेगम ने सांची स्तूप के संरक्षण में योगदान दिया? सुल्तान जहां बेगम ने। बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? वर्धमान, महावीर, राहुल, सिद्धार्थ। याद रखेंगे, बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? सिद्धार्थ। महावीर का जन्म कहाँ हुआ? वैशाली, सारनाथ, बोध गया, रांची। तो महावीर का जन्म वैशाली में हुआ था। जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? स्थूल बृहद। स्तूप संबंधित है निम्न में से किससे? जैन से, हिंदू से, शैव से, बौद्ध से। तो बौद्ध आ जाएगा इसमें। कुंडल वन कश्मीर में चतुर्थ बौद्ध संगति किस शासक के काल में हुई? अजातशत्रु, कनिष्क, अशोक, कालाशोक। तो कनिष्क आ जाएगा। सूफी परंपरा में पीर का क्या अर्थ होता है? सर्वोच्चेश्वर, सर्वोच्च मुरीद, गुरु, इनमें से कोई नहीं। तो सूफी परंपरा में पीर का अर्थ होता है गुरु। भक्ति एवं सूफी आंदोलन के संतों का योगदान था धार्मिक सद्भाव में, इसका उत्तर होगा। भक्ति आंदोलन भारत के किस क्षेत्र में प्रारंभ हुआ था? पश्चिम में। कीर्तन को प्रारंभ करने वाले संत का क्या नाम था? रामानुज, कबीर, मीरा, चैतन्य महाप्रभु। तुम कीर्तन को लागू करने वाले, प्रारंभ करने वाले संत थे चैतन्य महाप्रभु। निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित है? चिश्ती समुदाय से। तालवंडी किस का जन्म स्थान है? कबीर, नानक, रैदास, मीरा। तो तालवंडी का जन्म स्थान है नानक। किस काल में प्रशासन में नायंकर व्यवस्था एवं आयंगार प्रवस्था प्रचलित थी? तो विजयनगर काल। 1565 ईस्वी में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ? तालीकोटा का युद्ध। बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये भी, तालीकोटा का युद्ध
1565 ईस्वी में हुआ था। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई? तो 1336 ईस्वी में हुआ था। कृष्णदेव राय किस साम्राज्य के राजा बने? यमनी साम्राज्य, चोल साम्राज्य, पल्लव साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य। तो इसका उत्तर है विजयनगर साम्राज्य। प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल हम्पी किस जिले में स्थित है? बीजापुर, बेल्लारी, गुलबर्गा, विजयनगर। तो इसका उत्तर है आपका प्रसिद्ध ऐतिहासिक हम्पी कहाँ पर है? बेल्लारी जिले में स्थित है। कृष्णदेव राय के दरबार में अष्ट दिग्गज कौन थे? आर तेलुगु कवि। विजयनगर की स्थापना किसने की थी? हरिहर एवं बुक्का, माधव एवं रामानुज, कृष्णदेव, इनमें से कोई नहीं। तो विजयनगर की स्थापना हरिहर एवं बुक्का ने की थी। अकबरनामा की रचना किसने की? ये भी बहुत ही आईएमपी मोस्ट आईएमपी प्रश्न है। अकबरनामा की रचना किसने की थी? अमीर खुसरो, अलप रूनी, इबन बतूता, अबुल फजल। तो अकबरनामा की रचना अलप रूनी ने की थी। प्रथम पानीपत का युद्ध कब लड़ा गया? तो 1526 ईस्वी। ये भी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, मोस्ट आईएमपी एमसीक्यू क्वेश्चन। आई ने अकबरी कितने भागों में विभक्त है? दो, तीन, चार, पांच। तो आई ने अकबरी पांच भागों में विभक्त है। अकबर का वित्त मंत्री कौन था? अबुल फजल, मानसिंह, टोडरमल या बिरबल। तो इसका उत्तर है अकबर का जो वित्त मंत्री है, फाइनेंशियल मिनिस्टर है, वो कौन है? टोडरमल। तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया? जहांगीर शासन ने। मुगल काल में सर्वाधिक उपजाऊ भूमि को क्या कहा जाता है? चाचर या पोजल या फिर पड़ती या फिर बंजर। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो मुगल काल में सर्वाधिक उपजाऊ भूमि को चाचर कहते हैं। तो मुगल काल में साम्राज्य का आय का सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधन स्रोत क्या था? जकात। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, सब्सक्राइब योर चैनल। थैंक यू।